बैकग्राउंड देख के समझ ही गए होंगे कि मायके आई हूँ। यहाँ से कुछ वीडियोस जाएंगे, बहुत ही फर्ट करके मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत ही मतलब आप सोच सकते हैं बिना किसी एसी के, और फ़ैन को भी मैंने यूज़ नहीं किया है जस्ट बिकॉज कि मेरी आवाज़ आप तक क्लियरली पहुँच पाए। दोनों रूम में इंगेज है, दोनों एसी जो चल रही है इंगेज है, बट वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि कुछ सवाल जो कि आपके मन में आते हैं, और ये वीडियो आपको ज़रूर देखना है। एक तो पहला तो मेरा एफर्ट, दूसरा ये पूरी जानकारी कि आपके मन में ये सवाल आता है तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न इस बात की हो जाती है कि जब अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट किट पॉजिटिव आता है और उसके बाद आप जब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाते हैं तो ऑलरेडी 4 से 5 हफ्ते बीत चुके होते हैं, तो ये जो पहला दूसरा तीसरा चौथा हफ्ता जो है वो कैसे बीत जाता है, वो कब आता है, कब कंसेप्शन हो जाता है, ये कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी रेगुलरली मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं उनको ये साइंस पता है कि क्या होती है चीज़ें। लेकिन बहुत जो मतलब जो अगर डीपली समझना चाहते हैं उनके दिमाग में ये आएगा कि जब अगर इम्प्लांटेशन होती है उसके बाद ही आपकी प्रेगनेंसी रुकती है, क्योंकि मैंने अपने वीडियोस में ऑलरेडी आपको ये डिस्कशन किया हुआ है कि जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होती है तब तक आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई नहीं मान सकते हैं। लेकिन जो आपका इम्प्लांटेशन होता है वो होता है आपके पीरियड डेट के जस्ट 1 हफ्ते पहले या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन पहले, या फिर उससे भी कम कह सकते हैं 4 दिन पहले, पीरियड डेट के 4 दिन, 5 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, डिपेंडिंग अपॉन, सारी महिलाएँ अलग अलग हैं। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि आपने बताया था कि प्रेगनेंसी तभी कंसीव होती है जब इम्प्लांटेशन होता है और वो 1 हफ्ते पहले होता है, तो ये 1 हफ्ते की प्रेगनेंसी ना हो कि ये 4 से 5 हफ्ता क्यों होता है, तो आपकी प्रेगनेंसी जो कैलकुलेट की जाती है वो आपके LMP के द्वारा, यानी कि जो आपका लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड की जो डेट होती है उसके हिसाब से कैलकुलेट होती है। क्योंकि महिला के शरीर से जब अंडा रिलीज होता है तो ये बिल्कुल पता नहीं होता है कि किसी महिला का 13वें दिन पे होगा, 14वें दिन पे होगा, क्योंकि सबकी साइकिल अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ सेम चीज़ें मैच करें। किसी के 28 दिन की साइकिल पीरियड है तो उनके 13वें या 14वें दिन ओव्यूलेशन हो सकते हैं, और ये भी कन्फर्म ज़रूरी नहीं है कि 13 से 14वें दिन ही होंगे। कई सारी महिलाओं को 12वें दिन पे हो जाते हैं, किसी को 10वें दिन पे हो जाते हैं, किसी की लॉन्ग साइकिल है तो ऐसे केस में 17-18वां दिन भी खिंच जाता है, तो ये कह पाना मुश्किल होता है। लेकिन डॉक्टर्स भी आपको सिर्फ एक ही डेटा पूछती हैं, वो पूछती हैं LMP, यानी कि किस दिन आपका लास्ट पीरियड आया था, उससे वो कैलकुलेट करती हैं। क्योंकि आपको ये भी नहीं पता होता है कि आपका ओव्यूलेशन कब हुआ, क्योंकि ओव्यूलेशन के कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो कि महिलाएं पकड़ती हैं और उस टाइम पे रिलेशन भी प्लान करती हैं। लेकिन नॉर्मल अपने डेली लाइफ में कोई भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करता है, लेकिन आप जब रिलेशन प्लान करते हैं आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है तो आपको ये भी नहीं पता होता है कि किस दिन आपने रिलेशन बनाया, और क्योंकि वो डेट ही फाइनल नहीं होती है, उससे आप बेबी कंसीव करने के बारे में उसको नहीं उसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कितना वीक है, क्योंकि किस दिन रिलेशन बना, किस दिन ओव्यूलेशन बना, उससे कैलकुलेशन होती ही नहीं है, बल्कि कैलकुलेशन होती है आपकी LMP से, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड होती है वहाँ से कैलकुलेशन होती है। और जब भी अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर को जांच कराते हैं, तो डॉक्टर आपको यही डेटा पूछती हैं और उसके हिसाब से वो आपकी एक्सपेक्टेड ड्यू डेट निकालती हैं। क्योंकि 40 हफ्ते की आपकी प्रेगनेंसी होती है, 9 महीने की बात की जाए तो 9 महीने से कुछ दिन ज़्यादा कम सब लेडीज़ के चलते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 40 वीक्स पर ही आपकी प्रेगनेंसी एंड हो, बहुत बार डिलीवरीज हो जाती हैं 36 वीक पे, 37 वीक पे, 38 वीक पे, तो वो नॉर्मल है, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक एक्सपेक्टेड ड्यू डेट बताई जाती है, और कई बार बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं वो LMP ही भूल जाती हैं, उनको यही नहीं पता होता है कि उनका LMP क्या होता है। तो ऐसे केस में आपकी जब अल्ट्रासाउंड होती है तो बच्चे की ग्रोथ को देख के कि इतने वीक पे उसकी जो भी मेज़रमेंट आती है, चाहे बच्चे की हेड सरकमफेरेंस हो, CRL हो, यानी कि क्राउन टू रंप जो लेंथ होती है, या फिर AC होता है, एब्डोमिनल सरकमफेरेंस होती है, उससे एक आइडिया लगता है कि इस टाइम पे बच्चा इतने वीक का है। और बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की हलचल को देख के ये पता लगाया जाता है कि कितने वीक की प्रेगनेंसी है। लेकिन आपकी प्रेगनेंसी कितने महीने की है, कितने वीक की है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको LMP से ही पता चलेगा। ओव्यूलेशन का डेट फिक्स नहीं होता है, ये पता ही नहीं होता है किसी भी डॉक्टर को, ना ही आपको खुद। अगर आप ओव्यूलेशन टेस्ट किट पे आप जांच करती भी हैं, डबल लाइन आती है, तो भी एक वेरिएशन होती है कि ये 2 दिनों के अंदर एग कभी भी रिलीज़ हो सकता है, तो ये ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती, ये टाइम फिक्स नहीं होता है। लेकिन LMP जो होती है वो फिक्स होती है और वहाँ से चीज़ें कैलकुलेट होती है। अगर ये बात अच्छी लगी, समझ में आया, तो प्लीज़
इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा आगे, और कोई भी और जानकारी जो कि आप मुझसे चाहते हैं तो उसके ऊपर मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।